सर्वशक्तिमान थे। अब आप कहेंगे कि रेस कोर्स का पंजाब से क्या लेना देना है, रेस कोर्स का पंजाब से बड़ा लेना देना। इस कहानी में जो मुख्य किरदार अब आ रहा है वो पंजाब से ही आता है। तो पंजाब में वॉर बैटल शुरू हो गई। अंग्रेज हमेशा से चाहते थे कि पंजाब के ऊपर कब्जा किया जाए, इसीलिए वो राजधानी भी शिमला बनाए, नहीं तो मसूरी बनाते। लेकिन शिमला इसलिए बनाए क्योंकि शिमला से वो पंजाब को देख सकते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को देख सकते थे। और अंग्रेज़ों के अंदर एक पैरानोया था, एक पैरानोया ये था कि रशियन आ जाएंगे, ज़ार आ जाएंगे और वो हमारी सल्तनत को यहाँ ख़त्म कर देंगे। और ये पैरानोया उनका लंबे वक़्त तक बना रहा। और उसी पैरानोया की वजह से उन्होंने अफगान वार में गए, कई बार पिटे, कई बार टू द लास्ट मैन पिटे, लेकिन उनका ये पैरानोया ख़त्म नहीं हुआ। 1845 में राजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद पूरा का पूरा पंजाब एक डिसएरे में आ गया। राजा रणजीत सिंह ने पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और उनकी फौज में सभी जाति धर्मों के लोग, बल्कि जिन लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजों से लोहा लिया उसमें भी बलभद्र थापा अपने अपने साथियों के साथ पंजाब चला गया। राजा रणजीत सिंह की आर्मी में शामिल हो गया, राजा रणजीत सिंह की आर्मी में जनरल हो गया, लगातार लड़ते रहा, अफगानिस्तान में मारा गया टू हिज लास्ट मैन। तो राजा रणजीत सिंह की आर्मी में भी सभी तरीके के लोग थे और मजबूत लोग थे, जिसमें डोगराज थे, जिसमें सिख प्रिंसिपैलिटीज़ के लोग थे, जिसमें अलग अलग मिसलों के लोग थे, एक बहुत बढ़िया आर्मी थी। लेकिन राजा रणजीत सिंह के जाने के बाद उस आर्मी के अंदर, उस खालसा आर्मी के अंदर कई तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और राजा रणजीत सिंह के समय ही कैथल से एक लड़का जिसका नाम लाल सिंह है वो निकलता है। उसके पिता राजा रणजीत सिंह जी के यहाँ